तो कैसे हैं आप लोग? हाई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम लोग गॉस का प्रमेय की उपपत्ति देखने वाले हैं और इस गॉस के प्रमेय से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग बच्चों गॉस के प्रमेय को देखा, phi e इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आज इस पॉइंट को प्रूफ देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। सारे पॉइंट आपके एग्जाम ऑफिस से इंपॉर्टेंट हैं, तो इन वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों देख पा रहे हैं, यहाँ पे बताया जा रहा था गॉस के प्रमेय की उपपत्ति किस प्रकार से। गॉस का जो प्रमेय हमने पिछले वीडियो में देखा, phi e इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका प्रूफ अगर पूछ ले पेपर में तो किस प्रकार से इसको प्रूफ करेंगे। तो बच्चों इसके प्रूविंग पे आते हैं, तो ध्यान से समझेंगे सारे पॉइंट्स को। गॉस का प्रमेय किसके लिए है? वैद्युत फ्लक्स के लिए। सर जी, गॉस के प्रमेय से हम क्या ज्ञात करते हैं? वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं। लेकिन एक चीज़ और याद रखेंगे, गॉस का प्रमेय जो होता है वह बंद पृष्ठ के लिए होता है, यानी 3D फिगर के लिए, जिसको कह सकते हैं बंद पृष्ठ के लिए। वैद्युत फ्लक्स होता क्या है सर जी? तो कह सकते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो किसी पृष्ठ से परपेंडिकुलर यानी लंबवत गुजरे, यानी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो किसी पृष्ठ से कैसे गुजरे, लंबवत गुजरे। यानी सर जी, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है, अगर हमें वैद्युत बल रेखा लाना है तो इसका मतलब हमें आवेश लाना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं चार्ज से ही निकलती हैं, आवेश से। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रमेय को प्रूव करने के लिए। तो हमारा कहानी कहाँ के रुका? आवेश की जरूरत है। तो मान ले रहे हैं हमारे पास एक आवेश है, ध्यान से समझेंगे। मान ले रहे हैं यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं क्या हो रही हैं? बाहर निकल रही हैं। अब यह वैद्युत बल रेखाएं जो बाहर निकलेंगी इस चार्ज से, वह किसी पृष्ठ से होनी चाहिए, यानी ये वैद्युत बल रेखाएं जो बाहर निकलेंगी वह किससे होनी चाहिए? किसी पृष्ठ से। तो इसका मतलब सर जी, हमें एक पृष्ठ भी खींचना पड़ेगा। बिल्कुल, पृष्ठ खींचना पड़ेगा। कैसा पृष्ठ? वो भी बंद पृष्ठ। तो बिल्कुल ही इस तरह से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं जो कि फ्लक्स बनाएंगी जब यह किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरेंगी। तो इसके लिए हम मान ले रहे हैं कि यह जो वैद्युत बल रेखा निकल रहा है, यह वैद्युत बल रेखा किसी पृष्ठ से बाहर निकल रहा है, लेकिन वह पृष्ठ कुछ इस प्रकार से है, सर्कुलर। ध्यान से समझेंगे, इसके चारों तरफ एक पृष्ठ इस प्रकार से है हम मान ले रहे हैं, और इस पृष्ठ से ये वैद्युत बल रेखाएं क्या हो रही हैं? बाहर की तरफ निकल रही हैं। और यह कैसा पृष्ठ है बच्चों? तो यह 3D फिगर है, जिसको आप गॉसियन पृष्ठ भी कह सकते हैं, क्योंकि गॉस के प्रमेय को लगाने के लिए गॉसियन पृष्ठ ही हम खींचते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ हमने खींचा, जो कि एक क्या है, गोला है, आपको दिख रहा होगा सर्कल यानी वृत्त, लेकिन यह गोला है। इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो यहाँ पे इस पृष्ठ से कुछ वैद्युत फ्लक्स बनेगा। गॉस ने बताया कि यह वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कैसे होगा, इस चीज को देखते हैं। तो इसके लिए बच्चों हम मान ले रहे हैं हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा अवयव है। अगर इस पूरे गोले का क्षेत्रफल ए है, तो एक छोटा सा पृष्ठ हमारे पास क्षेत्रफल, छोटा सा इस क्षेत्रफल का एक छोटा सा अवयव है डी ए, जिसका डायरेक्शन हमारा डी ए बाहर की तरफ है, और इलेक्ट्रिक वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ होगा? बाहर की तरफ। यानी इस छोटे से भाग डी ए का भाई एरिया बाहर, और वैद्युत क्षेत्र का भी दिशा कहाँ? बाहर। तो अगर हम बात करें यहाँ थीटा कितना होगा, तो जीरो होगा। कैसे सर जी एरिया बाहर हुआ? बच्चों 3D फिगर के लिए आप ध्यान रखेंगे, एरिया का जो डायरेक्शन लेंगे यानी क्षेत्रफल का दिशा, वह बाहर की तरफ लेंगे, बाहर की तरफ। यानी 3D फिगर का जो डायरेक्शन है, हमेशा आप क्या करिएगा, बाहर की तरफ लीजिएगा, या फिर आप कह सकते हैं सर जी अंदर की तरफ लें। तो ज़्यादातर केसों में आप यही ध्यान रखेंगे, यहाँ पे इस पृष्ठ की बात करेंगे तो 3D फिगर के लिए एरिया बाहर की तरफ होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ है? बाहर, जिस वजह से दोनों के बीच कितना कोण है? जीरो। तो अगर बच्चों हम अल्पांश क्षेत्रफल यानी अल्पांश भाग डी ए से निर्गत वैद्युत फ्लक्स पूछें, वैद्युत फ्लक्स, तो क्या कहेंगे सर जी? छोटा सा भी होगा, छोटा सा फ्लक्स बनेगा। बिल्कुल सही बात है। डी फाई बराबर कितना बनेगा? तो सर जी वेक्टर ई डॉट डी ए बनेगा, जैसा कि हमने पढ़ा था। वेक्टर ई डॉट डी ए, वैद्युत क्षेत्र ही, और डी ए का डॉट प्रोडक्ट ही उस इसके लिए क्या बता देगा? वैद्युत फ्लक्स।
अब अगर हम बात करें यहाँ से डॉट प्रोडक्ट हटाएं तो कहेंगे सर जी ई डी ई कॉस थीटा होगा, लेकिन यहाँ थीटा कितना है जीरो, तो कॉस जीरो अंश का मान कितना हो जाएगा एक। इसका मतलब सर जी यहाँ पे कितना होगा, केवल हमारे पास मिलेगा ई डी ए यानी डी फाई बराबर ई डी ए, ध्यान देंगे डी फाई E बराबर कितना होगा बच्चों ई डी ए। अब हमें पूरे पृष्ठ से चाहिए फ्लक्स, तो पूरे पृष्ठ से बद्ध है, पृष्ठ से बद्ध है वैद्युत फ्लक्स, तो पूरे पृष्ठ से बद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होगा बच्चों, तो यह कितना होगा, तो हम इसका समाकलन कर देंगे यानी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए, या फिर आप कह सकते हैं डी फाई ई। इस छोटे से फ्लक्स का क्या कर दिए समाकलन, जिसका मान कितना है ई डी ए, यानी कह सकते हैं ई डी ए, तो यहाँ समाकलन किसका होगा डी ए का, तो ई बाहर हो जाएंगे, तो फाई ई बराबर कह सकते हैं ई इंटीग्रेशन ऑफ डी। क्लियर है बच्चों, या क्लोज सरफेस के लिए है इसलिए इसको क्लोज कर दे रहे हैं, क्लोज किया गया है। क्लियर है यहाँ तक। अब थोड़ा सा अगर आगे बढ़े बच्चों, इन चीज़ों को यहाँ से अगर मिटाएँ, सारे चीज़ें याद रखेंगे, तो आपसे अगर हम पूछें कि यहाँ से अगर हम फाई ई बराबर कहें तो क्या होगा ई, और डी ए का क्षेत्रफल क्या होगा ए। अब चूंकि बच्चों हम आवेश से अगर हम इस गोले का रेडियस आर मान लें, तो हमको इतना पता है किसी बिंदु आवेश से आर दूरी पर, किसी बिंदु आवेश से आर दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह होती है 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर, जिसको हमने पहले अभ्यास में ही पढ़ा था। और अगर गोला है तो एरिया की बात करें तो यह कितना होगा 4πr2। इन दोनों वैल्यू को जब आप यहाँ पुटअप करेंगे, आप तो आपको मिलेगा फाई ई बराबर ई की जगह पे 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, और एरिया की जगह अब क्या होगा 4πr2। तो यहाँ से 4π से 4π कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो यह है आपका वैद्युत फ्लक्स आ गया क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, जो कि गॉस का प्रमेय है। यही गॉस का क्या है, प्रमेय है, गॉस का प्रमेय कहिए या नियम कहिए, यही गॉस का प्रमेय। क्लियर है बच्चों, समझ पाए। फिर से एक बार पूरा पॉइंट नोटिस करेंगे, वैद्युत फ्लक्स इसको प्रूव करने के लिए हमने एक आवेश लिया, और इस आवेश से वैद्युत बल्ब रेखाएं बाहर निकल रही हैं, तो हमने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की। इस गॉसियन पृष्ठ पे एक छोटा सा अवयव लिया जिसका क्षेत्रफल डी है, जिसकी दिशा बाहर की तरफ और वैद्युत क्षेत्र भी बाहर है, इस वजह से दोनों के बीच कोण कितना हो गया, थीटा जीरो हो गया। अब अगर हम छोटे से भाग से अगर कहें फ्लक्स कितना होगा, तो डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए डॉट प्रोडक्ट हटा कॉस थीटा, थीटा का मान जीरो था, कॉस जीरो अंश का मान एक। क्या बचा ई डी ए, तो पूरे पृष्ठ से अगर फ्लक्स देखें तो पूरे पृष्ठ के लिए हम इस छोटे से भाग का क्या कर दिए, समाकलन कर दिए, तो यहाँ से हमें देखने को मिला डी फाई का मान कितना था ई डी ए, ई डी ए यहाँ से ई डी ए बाहर आ गया डी ए, और डी ए का समाकलन कितना होगा बच्चों ए, पूरा पृष्ठ का एरिया ए है, तो डी ए जोड़ोगे कितना आएगा ए। यहाँ से चूंकि हमें ई पता होता है किसी बिंदु आवेश से आर दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वह होता है 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर, अगर नहीं दिख रहा होगा तो फिर से इस चीज़ को लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कितना होता है, चूंकि हमें इतना पता है कि बिंदु आवेश से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 आर स्क्वायर, और एरिया गोले का 4πr2, इन दोनों वैल्यू को बच्चों जब यहाँ हम पुटअप किए तो यहाँ पे एक 4π कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, बचा क्यू और नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट, यही क्या है गॉस का प्रमेय। क्लियर है, आई होप इस पॉइंट को आप समझे होंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से इसको क्लियर कर लेंगे। अब चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल पे और देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या होने वाले हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं पहला ही प्रश्न यहाँ पर हमें दिख रहा है, ध्यान देंगे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ नोटिस करिए बच्चों, कह रहा चित्र में दर्शाए अनुसार, अगर नहीं दिख रहा होगा तो क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझना और फिगर को समझ लेना। चित्र में दर्शाए अनुसार 10 सेमी भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से, किसी वर्ग के केंद्र से 5 सेमी ऊंचाई पर 10 सेमी किनारे के घन के एक फलक, 5 सेमी ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रो कूलम आवेश रखा है,
इतना आवेश रखा है 5 सेमी ऊंचा, पर ध्यान से समझेंगे 10 सेमी भुजा का एक क्या है, एक वर्ग है, देख पा रहे हैं 10 सेमी भुजा का, और इसके केंद्र से 5 सेमी ऊंचाई पर ऐसे वर्ग है, ऐसे इतनी ऊंचाई पर क्या है हमारा 10 माइक्रोकुलम आवेश है। कह रहा वर्ग के वर्ग से गुजरने वाले फ्लक्स का परिमाण क्या होगा, यानी जो वर्ग है यहाँ पे आवेश निकल रखा है तो इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो कहेंगे सर जी क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को, इतना तो होगा लेकिन कब, जब यह पृष्ठ क्लोज होता है, यहाँ तो एक ही पृष्ठ है, तो अगर बच्चों हम कहें एक यहाँ से मान लें, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो यह टोटल घन बन जाएगा, यानी कुछ इस प्रकार से अगर हम मान लें तो यह एक घन बन जाएगा। वर्ग केवल कहाँ का है, नीचे वाला भाग, अब यहाँ पे आगे पीछे ऊपर दाएं बाएं इधर नहीं है, तो टोटल अगर हम 5 पृष्ठ कल्पना कर लें तो 6 पृष्ठ के अंदर हो जाएंगे, लेकिन हमें एक ही पृष्ठ से चाहिए। तो अगर हम कहीं बच्चों पूरे एक ही वर्ग से, यानी वर्ग के वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स, वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स, तो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, अगर यह पूरा घन होता तो कितना होता, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, लेकिन घन में 6 फलक होते हैं, इसमें केवल एक ही फलक है, तो एक फलक से पूछेगा तो 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, इस चीज़ को नोटिस करना। प्रश्न में प्रश्न ऐसे भी कह सकता है, किसी घन के केंद्र पर इतना कूलम आवेश रखा गया है, तो घन के प्रत्येक फलक से कितना, घन के प्रत्येक फलक से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, जब प्रत्येक कहेगा बच्चों तो वहाँ 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि पूरे घन से क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट है तो पूरे से गुजरेगा, लेकिन प्रत्येक यानी हर एक पृष्ठ से इससे कितना गुजरेगा या फिर इससे गुजरेगा कितना, तो यहाँ 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर यह कहा है कि संपूर्ण घन से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो यही आपका होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, तो यहाँ से क्यू का मान कितना रखा गया बच्चों, 10 माइक्रोकुलम, यानी 10 × 10 पे माइनस कितना, 6, क्योंकि 10 माइक्रोकुलम है यहाँ पे आवेश, तो 10 × 10⁻⁶, 6 एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है, 8.85 × 10⁻½। क्लियर है बच्चों, इसको हल कर लेंगे, थोड़ा सा एक लाइन और हल कर दें, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर नोटिस करें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 10⁻¹ है, तो एक यहाँ माइनस होगा तो 10⁻⁵ बचेगा, और यहाँ देख पा रहे हैं 6×5=30, 6×48=51, 6×48=50, 53 यानी 53.10 × 10⁻¹ कितना, 12, और इसको हल करना आपका काम है। क्लियर है, वोल्ट मीटर या आपका क्या हो जाएगा बच्चों, वैद्युत फ्लक्स है इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा। क्लियर है, दूसरे प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। अगर दूसरे प्रश्न पर चला जाए तो दूसरा प्रश्न बच्चों क्या होने वाला, इस चीज़ को समझते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा दूसरा प्रश्न क्या होने वाला है। ध्यान देंगे, क्लियर होगा। कह रहा किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8×10³ ⁻⁴² है, यानी यहाँ पे जो बच्चों फ्लक्स है वह कितना है, 8×10³ ⁾ इतना फ्लक्स है। अब कहा जा रहा बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, यानी क्यों पूछ लिया कितना है, और कह रहा यदि बॉक्स के पृष्ठ से, यदि बॉक्स के पृष्ठ से बहिर्मुखी फ्लक्स 0 है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं, दो रीजन है बच्चों यहाँ पे, क्यों अथवा क्यों नहीं, तो इसको बताना है, ध्यान दीजिएगा। अगर बच्चों हम Q नेट की बात करें पहले प्रश्न की, तो हमारा फाई ई जो है वह कितना होगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से अगर हमें क्यू फाइंड करना है तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई ई, तो यहाँ से कह सकते हैं 8.85 × 10⁻¹², और फाई ई का मान देख सकते हैं कितना दिया है, 8×10³, 3, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 8×5=40, 8×8=64, 4×8=68, 8×8=64=670, 2 × 10⁻¹ लगा दिए, 12 में से 3 घटा दीजिए, 10⁻⁹ कूलम, इतना वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। क्लियर है, दूसरा पॉइंट कह रहा है यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स 0 है तो आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, अगर कह रहे हैं कोई आवेश नहीं है तो क्यों कह रहे हैं,
और अगर कह रहे हैं नहीं उसके अंदर आवेश है तो क्यों कह रहे हैं कि नहीं है, तो इस चीज़ को बताना है। तो बच्चों अगर याद हो आपको गॉस का प्रमेय, तो यहाँ बताया गया था फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट जो है, तो यहाँ क्यू जो है बच्चों यह आवेशों का बीजीय योग है, आवेशों का बीजीय योग। इसका मतलब क्या सर जी, जितने आवेश होंगे उनके चिन्ह सहित लिए गए होंगे आवेश। हो सकता है कि यह जो आवेश रहा हो इसके अंदर बॉक्स के अंदर, वह हो सकता हो प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस दो क्यू माइनस टू क्यू, किसी इस प्रकार से रहा हो और चूंकि एक दूसरे को निरस्त कर दिए हों, तो ये बताइए क्या इसके अंदर आवेश शून्य है? है, यहाँ पे देख पा रहे हैं तीन कूलम प्लस में है, तीन कूलम माइनस में है। तो आप यह नहीं कहेंगे कि अगर फ्लक्स जीरो है तो आप बिल्कुल भी ये मत कहिएगा कि उसके अंदर आवेश नहीं है। आवेश होंगे लेकिन उनका बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा। तो इसका मतलब कहेंगे क्या, आवेश हैं, आवेश हैं लेकिन उनका बीजगणितीय योग क्या है? शून्य है। लेकिन उनका बीजगणितीय योग क्या है? शून्य है। क्लियर है बच्चों, समझ पाए? तो यह दूसरे का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्या है ध्यान दीजिएगा। समझेंगे ध्यान से अगला प्रश्न क्या होने वाला है। कहा जा रहा है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, कह रहा दो माइक्रोकुलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे 9 सेमी के किनारे वाले घनीय गॉसी पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। यानी एक घन है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, घन दिया हुआ है, घन 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 घन, चलो यहां मान ले रहे हैं इस प्रकार से हमारे पास एक घन दिया हुआ है और कह रहा है कि इसके किसी किनारे पर 2 माइक्रोकुलम आवेश रखा है। मान ले रहे हैं इस किनारे पर रखा है कितना, 2 माइक्रोकुलम आवेश। तो कह रहा 9 सेमी वाले घनीय गौसी है, इसका जो भुजा है वह कितना है, 9 सेमी है, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। कह रहा पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्यों मतलब नहीं है सर जी, क्योंकि फ्लक्स आप जब निकालेंगे गौस के प्रमेय से तो यह क्या है, क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कहाँ हमें भुजा से मतलब है। तो क्या दिक्कत है, आवेश यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको कितना दिया है, आवेश दिया 2 माइक्रोकुलम यानी 2 × 10⁻⁶, एप्सिलॉन नॉट कितना 8.85 × 10⁻¹². क्लियर है बच्चों, इसको हल कर लेंगे हो जाएगा आपका वैद्युत फ्लक्स। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न को। यहाँ पे कुछ चीजें पहले से ही यहाँ नोट हो गई हैं, तो इस चीजों को थोड़ा हटाते हैं, ध्यान देंगे इस प्रश्न को, बहुत बारीकी से समझेंगे क्योंकि यह प्रश्न आपका भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, थोड़ा सा समझने की बात है इसमें। क्या है ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है बच्चों कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई, नहीं दिख रहा होगा तो ध्यान से समझेंगे जो बोला जा रहा है, इस तरह से देख पा रहे होंगे इस फिगर में एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है ई, कह रहा 20 सेमी भुजा के किसी घन से, यह घन है जिसकी भुजा कितनी है 20 सेमी है, यानी घन की जो भुजा है वह कितनी है 20 सेमी है, कह रहा है जो इस प्रकार अभिविन्यास है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं, यानी इसके जो फलक हैं वह निर्देशांक एक्स वाई जेड जेड हैं, ये सब तल जो हैं इसके समांतर हैं, घन से कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा, समझेंगे ध्यान से। अगर बच्चों ध्यान से पूछा जाए, देखा जाए, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, यहाँ पे अगर आप इस पृष्ठ से बात करते हैं तो हमारा फाई ई बराबर हमने इस कंडीशन में देखा था ई ए कॉस थीटा, जी सर जी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ई और ए दोनों देख पा रहे हैं एक ही दिशा में है, और जब दोनों एक ही दिशा में थीटा कितना होगा जीरो, लेकिन इधर थीटा कितना होगा, ई तो इधर है ए इधर है, यहाँ ई तो इधर है ए इधर है, तो यहाँ थीटा 180 होगा, इन पृष्ठों के लिए 90 होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक एरिया ऊपर होगा, इलेक्ट्रिक लाइन इधर, तो 90 होगा, तो इनका तो जीरो हो जाएगा।
इन दोनों पे बात करनी है। तो अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें बच्चों, तो फाई ई बराबर कहेंगे फाई राइट वाले पृष्ठ से प्लस लेफ्ट वाले पृष्ठ से। तो अगर बच्चों हम राइट वाले पृष्ठ से बात करें तो यहाँ थीटा जीरो होगा, और थीटा जीरो होगा तो ई ए कॉस थीटा के अनुसार कॉस जीरो अंश का मान एक होता है, तो यहाँ आएगा फ्लक्स ई ए। और लेफ्ट से बात करेंगे तो 180 होगा, और कॉस 180 अंश का मान माइनस एक होता है, और माइनस एक कॉस 180 अंश का मान माइनस एक होने की वजह से यह किस में हो जाएंगे, यह हो जाएंगे माइनस ई ए, और यहाँ पे प्लस ई ए माइनस ई ए कैंसिल कितना हो जाएगा जीरो। यानी इस कंडीशन में बच्चों इस पृष्ठ से निर्गत जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह कितना होगा, जीरो होगा। फिर से देखिएगा, इस पृष्ठ के लिए थीटा जीरो होगा क्योंकि ई और ए दोनों एक ही दिशा में होंगे, तो इसके लिए फ्लक्स ई ए। इस पृष्ठ के लिए ई तो इधर है, ए इधर है, तो ए जब इधर है तो दोनों एक दूसरे के बीच कितना कोण बनाएंगे, 180 कॉस 180 अंश का मान माइनस एक, जिस वजह से माइनस ई ए होगा, दोनों कैंसिल यानी कितना हो जाएंगे जीरो। क्लियर है, सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर सभी प्रश्न समझ में आएंगे तो इस अभ्यास का एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग गॉस के अनुप्रयोग देखेंगे, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट।